हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हर घर में यूज की जाती है और उसे हर कोई, बच्चा हो या बड़ा, पसंद भी करता है। तो हम बात कर रहे हैं चिकपीस यानी व्हाइट चने या छोले के बारे में। व्हाइट चने हर घर में पसंद किए जाते हैं और सभी लोग इन्हें बड़े ही शौक से खाते हैं। छोले भटूरे हो या पूरी छोले, छोले कुलचे, छोले चावल जैसी और भी डिशेज हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और इनमें भी छोले कई तरह के होते हैं, जैसे अमृतसरी छोले, पिंडी छोले, आलू छोले, मसाला छोले और भी कई तरह के छोले लोग खाना और बनाना दोनों ही पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, छोले से कई तरह के नाश्ते और हेल्दी डिशेज भी बनाई जा सकती हैं, जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आज हम छोले से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी डिश आपको बनाना बताएंगे और साथ ही व्हाइट चने या छोले के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आने पर आपको तुरंत पता लग सके। अब हम बताते हैं कि व्हाइट चने या छोलों से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। विटामिंस, मिनरल्स और फाइबर के रिच सोर्स होने के कारण छोलों से कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। वेट मेंटेन रखना, डाइजेशन इम्प्रूव करना और बीमारियों के रिस्क को कम करना इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स में से हैं। इसके अलावा ये हाई प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और कई लोग वीगन डिशेस खाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, छोलों में न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पर्टिकुलरली मिनरल, मैग्नीज और विटामिन बी फोलेट का गुड सोर्स है। मे कीप यू फीलिंग फुल, छोले प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स होते हैं जिसके कारण ये आपके एपेटाइट यानी भूख को कंट्रोल में रखते हैं। रिच इन प्लांट प्रोटीन, छोले प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। छोलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये वेट को मेंटेन रखने में और हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करते हैं। मे हेल्प यू मैनेज योर वेट, छोलों में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये आपको फुल फील कराते हैं और आपको अपनी भूख को कम करने में हेल्पफुल होते हैं, जिसे आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। ये खाने में भी कैलोरीज इंटेक को कम करते हैं। मे सपोर्ट ब्लड शुगर रेगुलेशन, छोले आपके ब्लड शुगर लेवल को कई तरह से मैनेज करने में मदद करते हैं। छोलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और अगर आपकी डाइट में कम जीआई वाला फूड शामिल होगा तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है। मे बेनिफिट डाइजेशन, छोलों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा को इंक्रीज करके आपके बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करके उसे इजी करता है। इसी कारण छोलों से डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी कई बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेस, छोले कई क्रॉनिक इलनेस या डिजीजेस के जोखिम को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के खतरों को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। मे हेल्प प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी, छोले आयरन का भी एक उत्तम सोर्स होते हैं। आयरन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, मसल मेटाबॉलिज्म और कई तरह के हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। छोले आयरन की कमी से बचाव में मदद कर सकते हैं। छोलों से जुड़े इन हेल्थ बेनिफिट्स को जानने के बाद आइए आपको छोलों से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाना बताते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। इस डिश का नाम है फलाफल पॉकेट्स विद हुमस। सबसे पहले एक कटोरी चने लीजिए। अब 3 बॉइल्ड पोटैटो, हरा धनिया, हरी मिर्च, हींग, नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, गरम मसाला, अमचूर पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह मिला लें और सबको मैश कर लें। अब इसे एक डो की तरह तैयार कर लें। अब इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं। पहले हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के इनकी छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लें। पूरे मटेरियल के आपको बॉल्स तैयार करने हैं जिन्हें हम पैटी बोलते हैं। हमारी सारी पैटी अब तैयार है। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इन्हें अवन में बेक भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें बेक करना चाहते हैं 200 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें।
आइए अब बनाते हैं हुमस। हुमस चनों से ही बनता है। हुमस बनाने के लिए एक कप वाइट छोले, रोस्टेड तिल, रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट, लेमन जूस और इसमें बहुत ही ठंडा पानी आप डालकर उसे अच्छी तरह पीस लें। अब इसे एक बाउल में निकाल लें, ऊपर से एक चम्मच ऑलिव ऑयल, जीरा पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर डालें, फिर धनिया पत्ती और चनों से इसे गार्निश करें। आपका हुमस तैयार है। अब हम मेयोनीज बनाते हैं। आप या तो बाजार का रेडीमेड मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं या फिर आप घर पर ही उसको हेल्दी वे में बना सकते हैं। इसके लिए आप एक कप हंकड़ लेते हैं। हंकड़ बनाने के लिए दही का पानी निकालकर उसको यूज किया जाता है। तो एक कप गाढ़ा दही लें, दो गार्लिक क्लोव्स मैश की हुई, अगर नहीं डालना चाहते तो वो ऑप्शनल है, एक बड़ा चम्मच लेमन जूस, एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालकर सबको एक साथ मिक्स कर ले। आपका हेल्दी मेयोनीज तैयार है। अब आप कुछ वेजिटेबल्स, मशरूम, बेल पेपर्स, जुकीनी, कैरेट, अनियन और भी जो आपको पसंद है सब्जियों को बारीक बारीक काट ले और उन्हें सॉटे कर ले। बटर या घी किसी में भी कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं फलाफल पॉकेट्स। सबसे पहले फलाफल पॉकेट्स के लिए पीटा ब्रेड लें, उसे बीच में से काट लें। आप इसके लिए व्हीट पीटा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। उसे बीच में से काट कर बहुत ही ध्यान से उसे बीच में से ओपन कर लें। अब उसमें सबसे पहले लेटस लीव्स लगाएं, फिर उसके बाद सॉर्टेड वेजिटेबल्स उसमें डालें, फिर वो फलाफल पैटीज उसमें भरें, फिर उसमें स्प्राउट्स डालें, वो ऑप्शनल है, कच्चा प्याज डाल सकते हैं। अब आप मेयोनीज लगाएं, मेयोनीज अच्छी तरह लगानी है और आपकी टेस्टी और यमी फलाफल पैटीज तैयार हैं। इसी प्रोसीजर को रिपीट करें। अब आप उस हुमस के साथ जो हमने पहले बनाया था फलाफल पॉकेट्स को सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।